हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेस क्लासेस। आई एम मोहित पंत। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल ये कर रहे थे, लेक्चर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो फेजेस के बारे में पढ़ा, फेजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम थोड़ा उसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। चले शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि एन ए सी वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज इज गिवन बाय वी फेजर इक्वल टू 100 एंगल 30 डिग्री, राइट इट्स इक्वेशन। हमें वोल्टेज गिवन है फेजर फॉर्म में और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, हमें बताना है उसकी इक्वेशन को लिखना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वी टी इज इक्वल टू, इक्वेशन फॉर्म होता है वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं वोल्टेज की, क्या क्या होती है, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है, फेज एंगल होता है। तो यहां से देखते हैं कैसे निकालेंगे इक्वेशन। जब वोल्टेज आपकी फेजर फॉर्म में गिवन है तो जो ये वैल्यू होती है, ये होती है आरएमएस और ये क्या होता है आपका फेज एंगल, ठीक है। तो पुट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, अब होता है आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इंटू रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू इंटू आरएमएस। तो आरएमएस कितनी है 100, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 100√2 साइन ओमेगा। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2πf। एफ हमें गिवन है, एफ कितनी है 50 हर्ट्ज, तो ये जाएगा 2π × 50, मतलब कितना 100π। तो उसको मैं यहां पुट कर लेता हूं, तो ये हो गया 100π × t प्लस फाइव कितना हो गया, फाइव कितना आपको 30 डिग्री, तो फाइव कितना हो गया तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। तो वी टी इक्वल टू हो गया 100√2 sin 100π t प्लस 30 डिग्री। अच्छा, और जो ये पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 3.14, कितनी लगभग 3.14 होती है। तो हम मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका 314 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पुट करता हूँ तो ये जाएगा 100√2 sin 314 t प्लस 30 डिग्री। तो वोल्टेज की इक्वेशन कितनी हो गई, 100√2 sin 314 t प्लस 30 डिग्री। तो जो क्वेश्चन पूछा है राइट इक्वेशन, इसका आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपको ये इक्वेशन गिवन हो और फेजर फॉर्म पूछ सकता है, इसका रिवर्स भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। वो आपसे पूछेगा आपको फेजर फॉर्म गिवन होगी, बोलेगा वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, और ये भी बोल सकता है कि वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, आप उसके फेजर फॉर्म को लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आपको एक वेव फॉर्म गिवन है यहाँ इस पे, और बोला है इसकी इक्वेशंस को बनाओ, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनानी है और इसको हमें फेजर फॉर्म में भी लिखना है, एंड इन राइटिंग फेजर फॉर्म में भी लिखना है। फेजर फॉर्म में वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, उसको फेजर फॉर्म में भी लिखना है। इक्वेशन होती है वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अगर लीड है तो प्लस, लैग है तो माइनस, और फेजर फॉर्म होती है आरएमएस एंगल फाइव, ठीक है। तो पहली हमें वीएम कितना गिवन, देखो वीएम गिवन है आपको 100, 200, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 200 गिवन है आपको, ठीक है। 200 वीएम 200 हो गई, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वीएम कितनी हो गई, 200 हो गई, वीएम इज इक्वल टू 200, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन 50 हर्ट्ज। अभी एंगल आपको गिवन नहीं, ये एंगल क्या होगा देखते हैं। देखो ये आपको मैंने बताया था पल वेव, एक वेव रेफरेंस से ऐसे शुरू हो रही थी, एक आगे थी और एक क्या थी ऐसे आ रही थी। ये वाली जो आगे से आ रही है वो क्या है आपकी लैग कर रही थी, और जो पहले आ जा रही थी वो आपके क्या कर रही है, लीड कर रही है, मतलब ये पहले ही क्या हो जा रही है आपका शुरू हो जा रही है, ठीक है। तो देखो हमें निकाली इस फाई की वैल्यू क्या होगी फेज एंगल इस पॉइंट में। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में टी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, कितना है 0। जब t इक्वल टू 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 वोल्ट। तो क्या आप करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें t इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं।
तो वी टी इक्वल टू जीरो पुट करने में वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, 100 गिवन है तो ये 100 हो गया। वीएम कितना गिवन है, 200 साइन, टी क्या पुट कर लिया मैंने, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, क्या बच गया, फाई। ठीक है, इससे हमारा फाई आ जाएगा, वी टी 100 और वीएम ये काट लेते हैं, तो साइन फाई इक्वल टू कितना हो गया, हाफ, हाफ कितना होता है 30 डिग्री पे, 30 और पाई बाय 6, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो सब मिल गया मुझे। तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन कितनी होगी, वीएम कितना है 200 2 पाई एफ, एफ दे रखा है 50, 100 पाई प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, बहुत आसान है। और फेजर फॉर्म लिखनी है, फेजर फॉर्म कितनी होगी, कितना है 200 बाय रूट 2 इंटू एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता बात से, तो ये एंगल माइनस आता है, क्योंकि लैग चल रहा है। अगर यहाँ से आता स्टार्टिंग पॉइंट जो ये है, ये यहाँ से आता तो ये लैग होता, ये इससे पहले स्टार्टिंग शुरू हो रही है तो ये लीड हो गया, तो एंगल प्लस रहेगा। ठीक है, तो 100 बाय रूट 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 100 अपॉन रूट 2 एंगल 30 डिग्री, इससे कट गया रूट 2, तो रूट 2 इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आ जाएगा 141.4 एंगल 30 डिग्री। तो आप इसको चाहो ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये होगा। ठीक है, तो एक टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में ऐसे बनते हैं, आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे गिवन होंगे आपको और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है इन अ सर्किट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। एक सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से 60 डिग्री लैग कर रही है, तो बाय क्वेश्चन पूछा है बाय हाउ मच टाइम द करंट इज बिहाइंड द वोल्टेज, कितने समय पीछे वो उससे पीछे चल रही है। मतलब आप बोल सकते हो ऐसा, मैं ऐसा बोल सकता डायग्राम बनाया मैंने, अगर मान लेते हैं ये वोल्टेज है, तो करंट जो है 60 डिग्री बाद से आ रही है, 60 डिग्री थोड़ा लेट चल रही है, ऐसे चल रही करंट। ठीक है, तो ये तो आपको एंगल दे रखा है, आपको हमें इसको टाइम फॉर्म में भी निकालना है। ये वोल्टेज का हो गया वी टी और ये करंट का हो गया। ठीक है, तो क्या ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो हमारा फाई क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बताया ओमेगा इंटू टी होता है। फाई कितना होता है, फाई को हम ओमेगा इंटू टी मानते हैं। ये टाइम हमें एक्चुअली हम सो टाइम नहीं, इसको बोलते हैं हम, इसको डिनोट कर सकते हो डेल्टा टी से। हमारा फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, इस फॉर्मूले को आप याद रख लो, फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस ये इससे कितना पीछे या कितना आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा फाई टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा होता है अगर हम डिग्री में ले रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू, ऐसे ओमेगा होता है 2 पाई एफ होता है, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 180 इंटू एफ। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है, इससे आपके सारे निकाल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो फाई कितना है मेरे पास, फाई कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और कितना हो गया 2 इंटू 180 360, नीचे कितना हो गया 50, ये कट गया इससे 6, तो 6 इंटू 50 300 हो गया, तो लगभग 3.33 मिली सेकेंड्स का आंसर आ चुका है। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि करंट जो वोल्टेज से है, करंट जो है 3.33 मिली सेकेंड वोल्टेज से पीछे चल रही है। हो सकता है एग्जाम में इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ जाए। उल्टा क्वेश्चन कोई करने का मतलब क्या है, ये बोलेगा कि आपकी वोल्टेज सॉरी करंट जो है वो वोल्टेज से इतना भी वह मेरी पीछे चल रही है, तो बताओ उसमें एंगल कितना होगा, कितना उससे वो लैग कर रही होगी वगैरह वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा बन जाए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा, और आप हो सकते हो अगर आप वोल्टेज लगाओ तो वोल्टेज देखोगे, वोल्टेज हो जाएगा वी एंगल 0 डिग्री और करंट हो जाएगा आई एंगल माइनस ऑफ 60 डिग्री। माइनस ऑफ सही, ये जो 60 का मतलब है कि इससे इतना एंगल ये लैग कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सर्किट है उसमें हमें गिवन है कि इम्पीडेंस गिवन है इतना
और करंट गिवन है इतना, और हमें क्या निकालनी है उसकी वोल्टेज निकालनी है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे बी फेजर इज इक्वल टू आई फेजर इंटू जेड फेजर। तो आई जो फेजर है वो कितना है 2 एंगल 30 डिग्री और इम्पिडेंस है 4 एंगल 20 डिग्री। मल्टीप्लाई कर लो कि मैग्नेट मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 8 और एंगल आपस में कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 8 एंगल 50 डिग्री। ठीक है, तो 8 एंगल 50 डिग्री इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको दो ग्राफ गिवन है, एक वोल्टेज की वोल्टेज का कर्व है और एक करंट का कर्व है, और बोला गया है कि जो करंट जो है वो 2 मिली सेकेंड लेट आ रही है वोल्टेज से, मतलब देर से आ रही है, उसके बिहाइंड है। तो बताओ उनकी जो फेजर फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो फेजर फॉर्म हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फेजर वोल्टेज की फेजर फॉर्म होती है वी एम बाय रूट टू एंगल फाइव। ठीक है, और करंट की फेजर फॉर्म क्या होती है वी एम आई एम बाय रूट टू एंगल फाइव। ये फेजर फॉर्म होती है। अब इतने की फेजर फॉर्म क्या होगी, वी एम वोल्टेज की मैक्सिमम ये वैल्यू कितनी है 10, तो जाकर 10 बाय रूट 2 एंगल। देखो वोल्टेज जो है रेफरेंस से शुरू हो रही है, ना पहले ना बाद में, तो वोल्टेज का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज रेफरेंस से शुरू हो रही है। ठीक है, तो वोल्टेज की तो फेजर फॉर्म बन गई। अब आते हैं करंट की फेजर फॉर्म में। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4, तो जाएगी 4 बाय रूट 2। 4 बाय रूट 2 के एंगल, एंगल हमें नहीं बताओ। देखो ये एंगल लैग भी माइनस में आया क्योंकि ये बाद में आ रही है, करंट क्या शुरू हो रही है बाद से ग्राफ बन रहा है। तो क्या काम करते हैं, हमें फाई निकालना पड़ेगा। अगेन फाई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाई फेज एंगल निकालना फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओमेगा लिखते हैं हम 2πf, लेकिन हम एंगल लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 180 में, तो 2 × 180 × f। f कितना गिवन है, f हमें नहीं गिवन है, f को अगर नहीं गिवन है तो f को मोस्टली 50 हर्ट्ज ही मानते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम f 50 है तो 50 हर्ट्ज मान लेते हैं। f होगी 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, और टाइम कितना हमारा दे कर रखा, कितना लेट शुरू हो रही, 2 मिली सेकेंड, तो 2 × 10⁻³ हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 360, ये हो गया 100 × 10⁻³। तो 10⁻², 101 कैंसिल हो गया, इसका 10 कैंसिल हो गया, तो ये अगर 36 डिग्री हो गया इसका आंसर। आंसर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो उसके यहाँ पुट कर लेते हैं, करंट हो जाएगा 36 डिग्री, लेकिन करंट लैग हो रही है तो ये -36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। करंट का जो फेजर फॉर्म होगा वो होगा 4 बाय रूट 2 एंगल -36 डिग्री। वहीं वोल्टेज का जो फेजर फॉर्म होगा वो होगा 10 बाय रूट 2 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया फेजर फॉर्म हमारा हो गया। ठीक है, तो ओके देन आज के लिए इतना ही। आज हमने जो फेजर्स थे उसके मिलते जुलते क्वेश्चन करे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो वेव, आपको वेव फॉर्म गिवन होती है और वेव फॉर्म देख के आपको उसकी फेजर फॉर्म बनानी होती है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको हो सकता है फेजर फॉर्म गिवन हो और ऑप्शन में बोला जाए कि इसमें से इसकी वेव फॉर्म वाली फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक में हम पावर के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे कि करंट अगर लैग कर रही है तो वहाँ उस पर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको हम नेक्स्ट ये जो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ओके देन आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।